नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हड्डियों के दर्द के बारे में, शरीर के दर्द के बारे में। हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो, आज का जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसकी कुछ दिन लगातार मालिश कर लेते हैं तो आपका दर्द छू मंतर की तरह गायब हो जाएगा। चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे गठिया का दर्द हो, चाहे हड्डियों का दर्द हो, यानी कि शरीर के किसी भी तरह का दर्द हो, छू मंतर की तरह गायब हो जाएगा कुछ दिनों के प्रयोग से ही। और जो आपको असर दिखेगा, पहले दिन के प्रयोग से ही आपको इस नुस्खे का असर दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बताते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। इस नुस्खे के लिए जो सामग्री चाहिए वह चाहिए तिल का तेल, दूसरा लहसुन का तेल। दोस्तों अगर मैं बात करूं तिल के तेल की, तो तिल का तेल तो आपको मार्केट में बना बनाया मिल जाएगा, उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से बाय कर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं लहसुन के तेल की, तो मार्केट में मिलना मुश्किल है, उसको आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसका बनाने का आपको तरीका बताता हूं कि कैसे आपको बनाना है, और फिर मैं उसको आपको बनाकर भी दिखाता हूं। दोस्तों आपको करना क्या है, 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है, और उस सरसों के तेल में जैसे एक ही पूरी लहसुन की जो गांठ हो गई, आपको इसकी कलियां निकालकर उनको कूट कर उसमें डाल देना है, और उसको तब तक पकाना है जब तक कि वो काला या भूरा रंग का ना हो जाए। उसके बाद उसको छान ले तो आपका तेल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसे बनाना है लहसुन का तेल जैसे मैं आपको अभी बनाकर दिखा रहा हूं। ये देखिए, दोस्तों ये हमने बना दिया लहसुन का तेल, ये आपके सामने दिख रहा है। आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी जो लहसुन आपने डाली थी वो हल्की भूरी और काले रंग की ना हो जाए, तब तक आपको उसको गर्म करना है। जब ये ऐसा हो जाए तब आपका तेल तैयार है, लहसुन का तेल। अब हम इसको छान लेते हैं। ये मैंने एक कटोरी ली, तो अब हम इसको छान लेते हैं। ये मैं छान रहा हूँ। आपको इसको अच्छी तरह से छान लेना है। तो ये मेरा लहसुन का तेल रेडी हो गया है, और ये मेरे पास तिल का तेल ऑलरेडी मार्केट से बना बनाया मैंने ले लिया था। तो चलिए अब बनाते हैं उस नुस्खे को जिसकी हम बात कर रहे थे, जो आपके हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया के दर्द, यानी शरीर के सभी तरह के दर्द के लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करेगा, और उसको पहले दिन के प्रयोग से ही खत्म कर देगा। अब आपको लेना क्या है, इन दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। जैसे कि अगर आप 1 चम्मच इसका लेंगे तिल के तेल का, तो आपको 1 चम्मच ही लहसुन के तेल का लेना है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद आपका नुस्खा रेडी है। अब आपको इस तेल से जहां पर भी आपको दर्द है वहां पर मालिश करनी है हल्के हाथों से। 5 से 7 मिनट तक आप मालिश करेंगे और फिर देखेंगे कि आपका दर्द छू मंतर की तरह गायब हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी या आपका कोई जानकार रिलेटिव किसी भी तरह के दर्द से परेशान है तो उसको इस वीडियो को टैग जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने लिए घर पर तेल बनाए और इस नुस्खे से अपने दर्द को हमेशा के लिए बाय बाय कह दे। क्योंकि मार्केट में जो तेल मिलते हैं हमें ये गारंटी नहीं होती कि वो प्योर है या नहीं है, पर ये हम खुद घर पर बना रहे हैं तो हमें गारंटी है कि हमने जो बनाया वो बिल्कुल एकदम शुद्ध है। और इसका जो रिजल्ट की बात करूं मैं, तो रिजल्ट भी एकदम बिल्कुल जेन्युइन है, जबरदस्त रिजल्ट है। पहली बार से आराम, एक बार लगाओ दर्द से छुटकारा पाओ। अगर जहां भी आपको दर्द है आप कंटिन्यू मसाज कीजिए तो आप दर्द को भूल जाएं। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताना। इसके साथ में आप जो भी सुझाव देंगे हम उनका स्वागत करेंगे और आने वाली वीडियो में उनको इंप्लीमेंट भी करेंगे। इसके साथ में दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा देना, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों जिसको भी दर्द है इस तेल को लगाएं और दर्द को भूल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।